इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का मरहला रहा, फिर कोरोना का दौर भी रहा और कोरोना का दौर ख़त्म होने को ही था कि बारिश की बीमार शुरू हुई। लिहाजा कई सारे लोगों के घरों में भूखमरी की कगार पर पहुंचने की नौबत आ पहुंची है। लिहाजा ऐसे वक्त में कई सारी तंजीमें, कई सारे इदारे सामाजिक खदमात को अंजाम दे रहे हैं, उन तक रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हम आज वड़गांव निज़ामिया दरगाह के इहाते में मौजूद हैं। यहाँ पर हम बॉस कमेटी के तमाम मेम्बरान यहाँ पर शरीक हैं और इन्होंने जो खिदमात अंजाम दिए हैं वो वाकई काबिले सताइश, काबिले तवज्जो है। लिहाजा आज ऐसे दौर में भी जबकि तमाम कारोबार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, तिजारतें बंद हैं, लोग घरों में के अंदर कैद हैं इसी दौरान, कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, तो इन्होंने जो खिदमात अंजाम दिए हैं वो गरीबों तक उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें पहुंचाने का काम उन्होंने काम किया, इस नेक काम को अंजाम दिया है। बॉस कमेटी के तमाम मेम्बरान ने इन्होंने सुबह शाम जद्दोजहद करके एक ग्रुप को बनाया और इस ग्रुप के ज़रिए से ही लोगों की ज़रूरत को मुकम्मल करने की कोशिश की है। लिहाजा इनके इस खिदमात को तमाम शोबे में सराहा जा रहा है। लिहाजा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बॉस कमेटी के ज़िम्मेदार। सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल। जनाब बताइए कि आपने जो काम अंजाम दिया है कब से काम अंजाम दे रहे हैं और कितने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं फयाज सौदागर बॉस ग्रुप के सदर है और हमारे बॉस ग्रुप पूरे मेम्बरान हैं। हमने जब से बॉस ग्रुप बनाए हैं तब से हमें गरीब लोगों की खिदमत के लिए बहुत से काम उठाए हैं और आज जो राशन जो दे रहे हैं हमें लॉकडाउन के इसमें, वो तो हमारे कोविड-19 के वास्ते से जितने पैकेज दे रहे हैं हमें, 150 पैकेज है हमारे और बहुत से गरीब लोग हैं यहाँ, तो उनके लिए अभी खाने पीने का बहुत मसला चल रहा है। इस सिलसिले में हम सब जिम्मेदार मिलकर एक मीटिंग बनाए। मीटिंग बना के क्या किया कि इस मोहल्ले में गरीब लोग बहुत है तो इनको अभी हमें थोड़ा सा हेल्प करना, मदद करना बोल के अभी 150 पैकेज बनाए हैं और हम पूरे जिम्मेदार हैं, यह बहुत दिल से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो और भी हम ना देंगे तो और हमें इसके खिदमत अंजाम देंगे। निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो बच्चे काम कर रहे हैं इससे हम बहुत खुश हैं और आगे भी ऐसे गरीबों के काम होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बॉस कमेटी के जिम्मेदारान, उन्होंने बताया कि किस कदर काम करें, किस तरह से काम करने की कोशिश है और आगे भी चलकर किस तरह से वो खिदमात को अंजाम देना चाहते हैं। लिहाजा माशरे के अंदर, समाज के अंदर इस तरह की कमेटियों की ज़रूरत है जो गरीबों तक पहुँच कर उनके ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज के इस दौर में लोग मांग नहीं सकते, कह नहीं सकते और काम बंद है, कारोबार बंद है, घरों का गुजारा
बड़ी मुश्किल से होता है और ऐसे वक्त में कई सारे घर मुंतजर रहते हैं कि कोई मददगार उन तक पहुंचे, लेकिन बॉस कमेटी के जिम्मेदारान ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनसे और भी काम ले, और भी खिदमात ले और इनके काम को अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत भी नसीब हो। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।